तो भाई अगर आप Vivo Y22 को 2023 में लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। लाइक इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, इस फोन के लिए आपको कितना पैसा पे करना चाहिए और इस फोन का बिल्ड क्वालिटी कैसा है। कुल मिलाकर आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा इस फोन के बारे में आज की इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे फोन का भाई कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और पैसा भी लगता है। भी आपको बता है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि कोई भाई कंपनी से मुझे पैसा प्रेफर करे। मैं खुद की जेब से पैसा लगाता हूँ और फोन परचेस करके आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। तो मेहनत सच में भाई बहुत ज्यादा लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस फोन का कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस फोन पे आपको गेमिंग करने के लिए हीलियो G70 का प्रोसेसर मिलता है, साथ में आपको 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको बैक में मिलता है, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। और ये फोन फिलहाल के लिए रन कर रहा है एंड्रॉइड 13 पे और इसका जो iOS वर्जन है वो है फन टच iOS 13 वर्जन। और इस फोन पे आपको 6GB + 128GB का स्टोरेज मिलता है। और बात कर लेते हैं इस फोन के न्यू प्राइस के बारे में, तो इस फोन का जो न्यू प्राइस है वो है 16,400 रुपए और ये फोन आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा 10,000 रुपए के अंदर। तो अभी क्या कर लेते हैं, जल्दी से हमारे BGMI को ओपन कर लेते हैं और BGMI ओपन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फोन BGMI में या फिर PUBG में कितना ग्राफिक सपोर्ट करता है, आपको कितना FPS मिलेगा और इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने BGMI पे क्लिक कर दिया। BGMI ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सीधा मिलते हैं BGMI ओपन होने के बाद। तो भाई यहाँ पे हमारा जो गेम है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस फोन का ग्राफिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ ग्राफिक्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ पे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है, मतलब 40 FPS, बैलेंस पे भी आपको 40 FPS मिलता है और HD पे आपको 30 FPS मिलता है। तो हम क्या करेंगे, स्मूथ प्लस 40 FPS पे एक TDM खेलेंगे और एक TDM खेल के आपको दिखाऊंगा कि इसकी बैटरी बैकअप कैसा है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख सकते हो 57%, ठीक है, अभी 57% इसका बैटरी परसेंटेज है और एक TDM खेलेंगे 40 FPS के साथ। उसके बाद मैं आपको TDM परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा और साथ में मैं आपको इसका बैटरी का बैकअप भी दिखा दूंगा। तो भाई यहाँ पे हमारा जो TDM है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जायरो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो इस फोन पे आपको जायरो परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जायरो ऑन कर लिया और यहाँ पे आप इसका जायरो देख सकते हो भाई। वैसे यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फोन के साथ अगर आप जायरो में खेलोगे, सामने एक बोट रहेगा ना, तो उसको मारने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस फोन का जो जायरो है वो ऐसा है। और फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो भाई फोन का जो परफॉर्मेंस वो भाई मैं घटिया ही बोलूंगा भाई इसको। अगर आप 40 FPS पे TDM खेलोगे तो आपको FPS मिलेगा 30 से लेकर 32 FPS और अगर इस फोन पे आपने जायरो ऑन कर लिया तो आपको ऐसा फील आएगा 25 से लेकर 30 FPS आपको मिल रहा है। और अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया तो आपको कैसा मतलब फील आएगा, कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया और अभी जो फोन का जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो भाई। चाहे जायरो को हो चाहे फोन का FPS को हो, FPS अभी मिल रहा है भाई 10 to 12 FPS, ठीक है, मैं इतना कह सकता हूँ। फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद फोन का जो FPS है, फोन 40 FPS सपोर्ट करता है लेकिन आपको FPS मिलेगा 12 FPS, 12 to 15 FPS, 10 FPS, मतलब 10 से लेकर 15 FPS आपको मिलेगा इस फोन पे। और आप देख सकते हो भाई इसका जो जायरो है वो आप अभी देख सकते हो कि इसका जायरो कितना गंदा जायरो। अगर इस फोन पे अगर आप जायरो खेलोगे ना तो सामने एक बॉट रहेगा, तो उसको मारने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये है भाई Vivo Y22 का गेमिंग TDM परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे 16,000 रुपए का फोन है और इस पे भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको 15 FPS मिलेगा और ऊपर से भाई इसका जायरो मैनेजमेंट आप देख सकते हो। इससे बढ़िया जायरो भाई आपको 8-10 हज़ार रुपए में जो फोन आता है ना उस पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो TDM है वो कंप्लीट हो चुका है। गेमिंग परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया, अभी बैटरी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पहले तो हमारा 57% और अभी कितना है TDM खेलने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो 54%, मतलब 3%, 5000 mAh आपको बैटरी मिलता है इस फोन पे और हमारा एक TDM पे जाता है कितना 3%। और ये फोन ज्यादा पुराना नहीं है, ओनली 1 month पुराना फोन है। अभी क्या करते हैं, अभी शाइनोक पे देख लेते हैं कि शाइनोक पे ये फोन कैसा हरकत करता है और शाइनोक का परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं आपको कुछ अपना ओपिनियन भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा
किन किन को ये फोन लेना चाहिए और किन किन को ये फोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी सीधा क्या करते हैं, शाइनोक पे जंप करते हैं, और शाइनोक पे जंप करेंगे हम स्किन रिकॉर्डिंग के साथ। यहाँ पे मैंने स्किन रिकॉर्डिंग भी लगा दिया। स्किन रिकॉर्डिंग पे कैसा हरकत करता है भाई, तो आपको लाइव सब कुछ दिखाई देगा अच्छे से, बड़े पर्दे पे, बड़े स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि क्या क्या हरकत चल रहा है और ये फोन कितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे रहा है। तो इस फोन के अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मैंने स्किन रिकॉर्डिंग ऑन किया और यहाँ पे हम जंप कर रहे हैं भाई शाइनोक पे बूट कैंप जैसी जगह पे। बंदे देख रहे हो कितने सारे बंदे आ रहे हैं और फोन ने भाई अभी से रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लैंड करते करते मुझे देर हो चुका था, वैसे मुझे कुछ नहीं मिला तो ये मैच मेरा वेस्ट गया। तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन फोन का जो परफॉर्मेंस है वो इतना गंदा था कि भाई जब हवा में, जब पैराशूट में जब हम लैंड कर रहे थे तभी से फोन ने रोना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हमने फिर से सेम जगह पे लैंड कर दिया, इस बार भी बहुत सारे बंदे आए हैं, लेकिन इस बार फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा गंदा है। यहाँ पे आपको उतना पता नहीं चलेगा बिकॉज मैंने वीडियो शूट किया 60 FPS पे, ठीक है। तो फोन अगर 30 FPS भी देगा ना तो आपको यहाँ पे शो होगा कितना, 60 FPS, ठीक है। तो फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, चाहे आप शाइनोक पे कहो, चाहे आप TDM पे कहो, चाहे आप जायरो परफॉर्मेंस की बात करो, ये फोन भाई 16,000 को किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं करता। 16,000 भाई आप हमसे ले रहे हो, बदले में हमें क्या दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मजबूरन मेरे को बाहर निकालना पड़ा। और वैसे भी मैं इस फोन के साथ और गेमिंग करने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत दिनों से इस पे गेमिंग कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा ही परफॉर्मेंस मिलता है इस फोन पे। गेमिंग भाई इस फोन की बस की बात नहीं है, फोन हीट भी होता है बहुत ज्यादा, 5000 mAh का आपको इस पे बैटरी मिलता है और फोन भाई एक TDM पे 3% चला जाता है। तो 5000 mAh का बैटरी किस काम का भाई, मैं 3-4 साल पुराना फोन का गेमिंग रिव्यू करता हूँ, वो फोन भी भाई एक TDM पे 3-4% ड्रॉप करते हैं और ये फोन भाई न्यू फोन होके भी भाई एक TDM पे 3% ड्रॉप कर रहा है। मेरे हिसाब से भाई 2% ड्रॉप करता तो सही रहता। तो कुल मिला के भाई हमारा जो गेमिंग रिव्यू है वो मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ और अभी मैं अपना कुछ ओपिनियन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देख लिया, इस फोन के प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया शुरू में, अभी कुछ अपना ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज, नया तो भाई ये फोन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। बात रही सेकंड हैंड की, तो सेकंड हैंड ये फोन भाई 10,000 में आपको मिल जाएगा। तो 10,000 में आपको क्या मिलता है इस फोन पे, ना तो भाई आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ना तो आपको एक गेमिंग परफॉर्मेंस वाला चिपसेट मिलता है और ना ही इस पे आपको एक अच्छा कैमरा मिलता है। तो कुल मिला के बात करें तो इस पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है इस फोन के अंदर। देखा जाए तो बाहर आपको मिलता है इस फोन का लुक वाइज, सीरीज वीवो का स्टाइलिश सीरीज होता है, तो देखा जाए ये फोन लुक वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस फोन को हाथ में से पकड़ोगे या फिर कॉल पे इसे बातें करोगे तो किसी को भी ये फोन 10,000 रुपए का या फिर 16,000 रुपए का नहीं लगेगा, उसको लगेगा 30,000-40,000 रुपए का फोन आपने पकड़ के रखा है। तो कुल मिला के मैं ये फोन उनको रिकमेंड करना चाहूंगा जिसको भाई घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फोन के अंदर हमें क्या मिलता है, उनको सिर्फ बाहर से मतलब है, फोन दिखने में कूल लगना चाहिए, ज्यादा हैवी टास्क नहीं करते फोन पे, तो उनको मैं ये फोन रिकमेंड करूंगा। भाई अगर आपको लुक चाहिए तो ये फोन आप ले सकते हो, फोन का लुक भाई बहुत मस्त है। पीछे का जो साइड है उस पर आपको ग्लास बॉडी मिलता है, लेकिन भाई इसका जो फिनिश है ना वो भाई मैं क्या बताऊं भाई, वो बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। यहाँ पे आपको टेक्सचर टाइप डिजाइन मिलता है, लेकिन वो भाई हर एंगल से आपको अलग अलग कलर शो करता है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो लुक वाइज ये डिवाइस आप ले सकते हो, अदरवाइज भाई अगर आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा यूज करते हो, अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो ये फोन भाई किसी भी एंगल से भाई जस्टिफाई नहीं करता इस प्राइस को। तो ये फोन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको भाई लुक अच्छा चाहिए और वीवो का ब्रांड चाहिए, सिर्फ मैं उनको रिकमेंड करूंगा। तो भूल से भी भाई ऐसी गलती मत करना, ऐसे फोन परचेस करके अपने पैसे को भाई वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो भाई गेमिंग के लिए मैंने बहुत सारे फोनों को भाई मैंने गेमिंग रिव्यू कर दिया ऑलरेडी चैनल पे। 10,000 रुपए के अंदर अगर आप गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हो तो चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से OnePlus 60 आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं भाई 10,000 रुपए में। अगर आपका प्राइस 11,000 रुपए है, गेमिंग फोन लेना चाहते हो, कैमरा फोन लेना चाहते हो, लुक वाइज डिवाइस अच्छा होना चाहिए, बस थोड़ा सा पुराना होगा, K20 Pro आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं भाई, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूं भाई बहुत ही जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना।